Hello students, welcome to this last part of this chapter, that is 6.5 excretion. So we have already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis or respiration. हमने इसके पहले के प्रोसेस में देखा कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स अपना जो गैशियस वेस्ट है फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के टाइम पे जो गैशियस वेस्ट जनरेट होता है वो कैसे वो लोग बाहर निकलते हैं अपने बॉडी में से. अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल्स विच नीड टू बी रिमूव्ड. इसके सिवाय जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के सिवाय जो दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें नाइट्रोजनस मटेरियल जनरेट होता है जिसको बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है. द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंदर ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल मतलब हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव किए जाते हैं बॉडी में से उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेराइड स्ट्रेटजीज टू डू दिस. अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग स्ट्रेटजी होगी. अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी, कोई मल्टीसेलुलर है उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी. देखिए, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर. अब बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मतलब के वन सेल वाले, उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है कि वो लोग सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू ही वो लोग सराउंडिंग में वो वेस्ट मटेरियल निकाल देते हैं. सराउंडिंग वाटर में अपनी बॉडी सरफेस से ही वो वेस्ट मटेरियल निकाल देते हैं. कौन से प्रोसेस की हेल्प से? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से. एज वी हैव सीन इन दी अदर प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शन. अब जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये सिंपल डिफ्यूजन से काम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का हर एरिया सराउंडिंग के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है, काफ़ी सारा बॉडी का एरिया है जो अंदर की तरफ है, राइट? तो उनको स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स चाहिए. वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स ही इनका ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं. नाउ लेट अस सी 6.5.1, दैट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स. सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा. तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स हैं ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम के. ठीक है, किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन. तो किडनी कहाँ पे लोकेट होती है? एब्डोमेन के पास में और बैकबोन के दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट में. यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज पास थ्रू द यूरेटर्स इन टू द यूरिनरी ब्लैडर वेर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज्ड थ्रू द यूरेथ्रा. तो जो यूरिन प्रोड्यूस होता है किडनीज में वो पास थ्रू होता है यूरेटर्स के जरिए, फिर जाके मिल जाता है यूरिनरी ब्लैडर में. ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर में वही जगह है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है. तब तक स्टोर होता है जब तक कि इतना प्रेशर ना डेवलप हो जाए कि फिर वो बॉडी से रिलीज़ किया जाए. जब बॉडी से रिलीज करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर में से वो यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाता है. ये रहा वो डायग्राम. ठीक है, तो किडनीज में जितना भी यूरिन प्रोड्यूस होता है वो फिर धीमे से नीचे जाता है यूरेटर्स, जो दोनों ट्यूब हैं लेफ्ट राइट में, वहाँ से फिर वो नीचे जाता है और जाके जमा होने लगता है यूरिनरी ब्लैडर में. अब यूरिनरी ब्लैडर में तब तक जमा होता है जब तक कि बॉडी उसका प्रेशर सस्टेन कर सकती है. उसके बाद जब बॉडी ये डिसाइड करती है, हमारा माइंड जब ये डिसाइड करता है कि हमें उसे पास ऑन कर देना चाहिए, तो वो यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाता है बाहर. राइट, हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस्ड? देखते हैं कि यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है. राइट, यूरिन का प्रोडक्शन क्यों जरूरी है या फिर ये कैसे प्रोड्यूस होता है? द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड. तो यूरिन का जो प्रोडक्शन है उसका मेन पर्पस ही यही है कि हमारे ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको फिल्टर आउट करके बाहर निकाल सकें. जिस तरह से CO2 बाहर निकलता है ना ब्लड में से, राइट, लंग्स के पास जब ब्लड जाता है तो वहाँ से CO2 उसमें से निकल जाता है, राइट. तो उसी तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो भी ब्लड में से निकल जाता है. कहाँ पे? किडनीज के पास जाके. इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज. तो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट जो किडनी में है जिसको निफ्रॉन्स बोलते हैं, वो किससे बने होंगे? कैपिलरीज से, बहुत सारी पतली पतली कैपिलरीज. जिस तरह से लंग्स में जो पतली पतली कैपिलरीज थी जहाँ पे ब्लड अपना CO2 निकालता है और ऑक्सीजन गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसी तरह से यहाँ पे किडनीज में भी सेम प्रोसेस है. किडनीज में भी जो बहुत ही पतली कैपिलरीज होती हैं
वो एक क्लस्टर बनाती हैं, बहुत ही एक गुच्छा बनाती हैं, क्लस्टर बनाती हैं थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज का। और हर कैपिलरी क्लस्टर जो किडनी में होता है वो एसोसिएट होता है एक छोटे से कप शेप में, उस कैपिलरी का एक कप शेप होता है एंड ऑफ अ ट्यूब जो फिल्टर्ड यूरिन को कलेक्ट करता है, राइट। और हर किडनी में बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं जिसको बोलते हैं निफ्रॉन्स, जो एक के साथ एक दूसरे पैक्ड, बहुत ही काफ़ी क्लोज पैक्ड होते हैं। ये देखते हैं फिगर 6.4 में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आप डायग्राम, यहाँ पे देखिए क्लस्टर है ना, बोमेंस कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस इसको बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ये काफ़ी सारा क्लस्टर है और इसके साथ में जुड़ा होता है कप शेप्ड, ठीक है। ये है निफ्रॉन्स, राइट, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ निफ्रॉन्स। ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ निफ्रॉन्स लास्ट में जुड़ा होता है बोमेंस कैप्सूल, आप देख रहे हैं बोमेंस कैप्सूल ही वो पार्ट है जहाँ पे फिल्टर्ड यूरिन कलेक्ट होता है, वही कप शेप्ड है। अब वही कप शेप में से यूरिन आगे प्रोड्यूस करके फिर जाता है यूरेटर के थ्रू नीचे की तरफ जाता है, कंडक्टिंग जो डक्ट है वहाँ से वो नीचे की तरफ जाता है, राइट। सो लेट अस नाउ मूव अहेड विद दिस, ठीक है। तो सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब एज द यूरिन फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब। अब जैसे जैसे यूरिन इस ट्यूब में से फ्लो होती है तो कुछ सब्सटेंसेस जो बॉडी के लिए ज़रूरी है वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, फिर से उनको खींच लिया जाता है ब्लड के अंदर, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स और वाटर, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी के लिए ज़रूरी है, इनको फिर से वापस वेस्ट में डालना ठीक नहीं। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देर इज इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देर इज टू बी एक्सक्रीटेड। तो कितना कितना पानी एब्जॉर्ब होगा वो डिपेंड इस पे करता है कि बॉडी में कितना एक्स्ट्रा पानी है, ठीक है। तो अगर बॉडी में ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी है तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा जो भी होगा कुछ वो वेस्ट के तरीके से बाहर निकल सकता है। और इसी तरह से कितना कितना डिजॉल्व है, कितना वेस्ट, हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देर इज टू बी एक्सीटेड, और कितना डिजॉल्व वेस्ट हमें बाहर निकालना है, इन सब पे डिपेंड करता है कि कितना पानी एब्जॉर्ब होगा फिर से। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर विच कनेक्ट्स द किडनीज विद द यूरिनरी ब्लैडर। अब जो जो किडनी के अंदर जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो एक लॉन्ग ट्यूब में एंटर होता है, उस ट्यूब का नाम है यूरेटर, फिर वहाँ से वो कनेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर के। यहाँ पे यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपांडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। अब जो यूरिन यूरेटर से पास होके यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है वहाँ पे वो स्टोर होता रहता है तब तक जब तक कि प्रेशर ना डेवलप हो जाए। वो जो ब्लैडर है वो ब्लैडर धीमे धीमे एक्सपांड होगा और जैसे ऐसे कलेक्शन होगा वैसे ऐसे वो एक्सपांड होगा, और तब तक जब तक कि एक प्रेशर ना डेवलप हो जाए और हमारी बॉडी ये डिसाइड ना कर ले कि हाँ अब इसे बाहर निकालना है, तो बाहर निकलेगा यूरेथ्रा के थ्रू। अब द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर। तो ब्लैडर जो है वो मस्कुलर है तभी तो वो स्टोर कर पाता है और एक्सपांड होता है, एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट वही चीज़ होती है जो मस्कुलर होती है। तो यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर है मतलब ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। अब नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है मतलब हमारे दिमाग के कंट्रोल में है, हम जब चाहें तब उसको पास आउट करें या फिर उसको रोकें। तो उसी वजह से हम क्या करते हैं, हम अपनी अर्ज को कंट्रोल कर पाते हैं। अगर अगर ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में ना होता, ठीक है, वॉलेंट्री होता तो क्या होता, तो हमें पता भी नहीं चलता कब यूरिन पास हो गया। ये एक छोटा सा है मोर टू नो में आर्टिफिशियल किडनी के जरिए, इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। जिस तरह से किडनी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट ब्लड में से वेस्ट निकालती है और यूरिन प्रोड्यूस करती है, जब किडनीज फेल हो जाए तब ये आर्टिफिशियल किडनीज काम करती है। आर्टिफिशियल किडनीज भी वही काम करती है, आर्टिफिशियल ये जो यहाँ पे है डायलिसिस सॉल्यूशन दिख रहा है वहाँ पे ब्लड पास होता है, ठीक है। अब वो ब्लड में से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा और जो जो इम्पोर्टेंट है वो रह जाएगा, ठीक है। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट मतलब कि यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कलेक्ट इसमें हो जाता है और इस तरह से इंसान बच जाता है। एक्सक्रीशन प्लांट्स 6.5.2। तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, इसके पहले हमने देखा कि प्लांट्स में CO2 और O2 फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के टाइम पे बाहर निकल जाता है, राइट। तो
तो उसके अलावा भी बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो अलग तरीके से निकलेगा, कुछ हवा में निकलता है कुछ सॉइल में. सो प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स. प्लांट्स की कम्प्लीटली अलग स्ट्रैटेजी होती है एनिमल से. ऑक्सीजन इट्सेल्फ कैन बी थॉट ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अब आपको पता ही है कि प्लांट्स को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती इसलिए उसको रिलीज कर देते हैं. तो ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट ही तो है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता है. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विथ ऑक्सीजन एज वेल एज CO2. हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था जब हम रेस्पिरेशन और ये फोटोसिंथेसिस देख रहे थे उसमें किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और वो बाहर निकल जाता है प्लांट्स में से. दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. अब प्लांट्स के अंदर जब अगर एक्स्ट्रा वाटर आ गया तो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर इस तरह से निकलता है पसीने से और यूरिन से. यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर कैसे निकलता है, बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन को आप बोल सकते हैं कि इवोपरेशन, राइट. प्लांट्स के सरफेस पर से जब एक्स्ट्रा वाटर होगा तो वो धीमे धीमे ट्रांसपिरेशन के जरिए निकल जाएगा बाहर. फॉर अदर वेस्ट प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ दैट टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स. और देखो एक्स्ट्रा वाटर तो निकल गया ट्रांसपिरेशन के जरिए, अब बाकी सारा जो वेस्ट है वो कैसे निकलेगा. तो प्लांट्स के अंदर डेड सेल्स काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है, ये फैक्ट मान के चलना कि बहुत सारे टिश्यूज हैं जिसमें डेड सेल्स होते हैं. तो अगर उनको अपने डेड सेल्स को हटाना है, ठीक है, उनको अगर अपने निकालना है डेड सेल्स को, तो वो उसको अपने बॉडी में से निकाल देंगे. कैसे, जैसे कि अगर प्लांट्स के कोई पत्ते हैं वो सूख गए हैं तो वो सूखे हुए पत्ते ही डेड सेल्स कहलाते हैं समझ लो, और वो प्लांट से अलग होके टूट के नीचे गिर जाएंगे. इसी तरह से प्लांट्स अपने लीव्स जिसमें डेड सेल्स हैं या फिर जो सूख गई हैं हर तरीके से तो उसको गिरा देती हैं, उसको लूज आउट कर देती हैं. मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स. और काफ़ी सारा प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर्ड होता है सेलुलर वैक्यूल्स में. प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स होता है ना, 90% प्लांट सेल के अंदर तो वो वैक्यूल ही होता है, इतना उसका साइज है. तो वहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स भी स्टोर किए जाते हैं. वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी स्टोर इन लीव्स दैट फॉल ऑफ. और वो लीव्स जो गिरने वाली हैं या फिर जो अब गिरने वाली हैं सूख गई हैं उनमें भी वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर किए जाते हैं पहले से, ताकि वो प्लांट्स लीव्स के साथ ही वो नीचे गिर जाएँ. अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स. और बाकी सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो रेजिन्स और गम्स के तरीके से स्टोर किए जाते हैं. कहाँ पे, ज़्यादातर ओल्ड जाइलम में, ठीक है. प्लांट्स में से जो रेजिन और गम्स निकलता है वो उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं एक तरीके से. प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इन टू द सॉइल अराउंड देम. और प्लांट्स कुछ कुछ वेस्ट है उसको सॉइल के अंदर भी रिलीज कर देते हैं. सो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस वॉट यू हैव लर्न्ड सो दैट यू हैव अ क्विक समरी ऑफ द चैप्टर एंड एवरीथिंग. ओके, सो टिल देन वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड, इफ यू हैव एनी डाउट और एनी सजेशन टू गिव मी, यू फील फ्री टू गिव मी दैट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय.